आज हम गले का एक नया डिज़ाइन बनाएंगे, उसके लिए ये बुकरम मैंने ऐसे फोल्ड करके रखी है। इस तरह से ये 7.5 इंच है और लंबाई में 11 इंच है। सबसे पहले ऊपर से गला ट्रेस करेंगे, इसके लिए 3 इंच ऊपर से ऐसे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच इस तरफ से निशान लगाएंगे। अब नीचे से 3 इंच के फासले पे इस तरफ निशान लगाना है ऐसे, और इसको सीधा ऐसे कर देना, इसे भी इस तरह सीधा निशान लगा देना। अब इस तरफ से 1 इंच छोड़ के इस तरह गुलाई करनी है। इस तरह उसके बाद 4.5 इंच के फासले पे इस तरह निशान लगाना है और 1 इंच के फासले पे इस तरफ, और उसे इस तरह ट्रेस कर लेना है। ऐसे फिर यहां से 1 इंच छोड़ें, यहाँ से 2 इंच, और इस तरह निशान लगा लें। इसकी लंबाई थी यहाँ से 4.5 इंच, इस तरफ से रखेंगे 3.5 इंच। पहले ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से गुलाई कर देंगे और इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ से भी। ऐसे पहले ऊपर से काटते हैं गला, ऐसे उसके बाद ये वाला हिस्सा, अब इसे सीधा सीधा भी काट सकते हैं और इस तरह फोल्ड करके इस तरह ऐसे भी काट सकते हैं। ये मैंने ऊपर से ज्यादा किया, इसे आधा इंच छोड़ लेते हैं यहाँ से, फिर ऐसे कटिंग करते हैं इसकी। खोलने से ये ऐसे होगा, ऐसे अब इस तरह ऐसे निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच छोड़ के। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं,
ये इस तरह से बच जाएगा। इस तरह अब इसे कपड़े पे चिपका लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। इस गले के डिज़ाइन को अब कपड़े पे रख के प्रेस करना है और इसके साथ चिपका लेना है इस तरह। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना, यहाँ से और इसे चिपका लेते हैं इसके साथ। प्रेस करके इसके साथ लगा लिया। अब इस तरफ से आधा इंच छोड़ के सारे कपड़े को काट लेना है। इस तरह काट लेते हैं यहाँ से। दरमियान में से अभी नहीं काटेंगे, ये कपड़े कमीज़ वाले कपड़े के साथ लगा के फिर इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये मेरी शर्ट का फ्रंट साइड है और ये गला है। अब इसको मैं यहाँ से कट लगा के यहाँ से ऐसे कट लगा देती हूँ। इसकी कटिंग मैंने पहले ही कर ली है, आप अपने नाप के हिसाब से इसकी कटिंग कर लें अगले हिस्से की। और इसको सेंटर में निशान लगाना है ऐसे। इसको भी ऐसे सेंटर में निशान लगा लें। पहले मैं ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं इसका इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ मशीन से। ऐसे अंदर मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ मोड़ के नोक बना लें। सिलाई लगाने के बाद ये कपड़े पे इस तरह, यहाँ भी दरमियान में कट लगाया है, यहाँ भी, इन दोनों को ऐसे मिला के रखना है ऐसे। इस तरह नोक इसकी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अब सिलाई लगाना शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर तो बैन लगाना है ना, स्टैंड बैन आएगा इसके ऊपर,
यहाँ बैन लगाना है, इसको अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, ये जो दो कट हैं इनके ऊपर सिलाई लगानी है, इनके अंदर अंदर इस तरह से पहले सेंटर वाले में निशान सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से शुरू करें, एक को सिलाई लग गई है, अब दूसरी तरफ सिलाई लगाते हैं इसके अंदर अंदर। इस तरह यहाँ से शुरू करें,